जंगल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत पीतंबरा पीठ से करने का दिया बयान। झूठे लोगों की तो भगवान भी नहीं सुनते। कांग्रेस छल और छपट की राजनीति करता है। रामायण की चौपाई पढ़कर दिया उदाहरण। उमा भारती के बयान का समर्थन किया, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही। उमा ने कहा था बीजेपी के मंत्री मलाईदार पदों के फेर में नहीं रहते। देखो, भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीतांबरा पीठ भी गए थे। दोनों में आशीर्वाद मिला, अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है, ये धोखा दिया इनने किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कांग्रेस कपट और छल छिद्र की राजनीति करती है, इसलिए अब ये कहीं से भी अभियान शुरू करें ये नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा, उनके मत से मैं सहमत हूँ। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो न्यायालय का निर्णय होगा वो सरमाथे पे होगा। नरसिंहपुर से मदन तिवारी की रिपोर्ट।